I don't know about the concept you mentioned, happy thought or sad thoughts. I am not aware at all. But agar hum kahe, what is happy thought? No thought is happy, no thought is sad. Thought is thought. And thought is not in your control, it is simply happening out of nowhere. You have to witness it. Whether it is happy or it is sad, it is your interpretation, your analysis. आप इसको एनालाइज करेंगे, क्या हंसने मुस्कुराने को ही हैप्पी थॉट कहेंगे? यानी कि कोई ऐसा थॉट आया और हम स्माइल करें तो हैप्पी हुआ, या हम कोई ऐसा थॉट जो आपको विचलित कर जाए लेकिन क्रिएटिव हो, वो भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो वो भी है. कोई ऐसा विचार आया उतरा जिसने आपकी नींद उड़ा दी, आपको विचलित किया, परेशान किया, लेकिन वो सृजनात्मक था, क्रिएटिव था, उसने आपको आगे धक्का दिया, कुछ नया पैदा हुआ, कोई नई चीज़ रची गई, दुनिया कुछ खूबसूरत हुई, तो वो भी तो अच्छा ही हुआ ना, वो बुरा नहीं हुआ. लेकिन जो ये सो कॉल्ड हैप्पी हैप्पी होगा वो बड़ा सैलो हो जाएगा. यानी कि आप तमाम कल्ट मैंने ऐसे देखे, कल्ट के लोग मेरे पास आएंगे, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग. इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. आप नकली हो जाएंगे, इतना दम मुस्कुराएंगे. कभी कभी उदास भी होता है आदमी, कभी कभी रोता भी है. यानी कि रोना घटता है, उदासी भी घटती है, प्रसन्नता भी घटती है. ये प्रोफाउंड ट्रुथ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं. अगर कोई ये सोचेगा कि हमेशा मुस्कुराते रहना ही अध्यात्म है, तो वो एक दुष्चक्र में फंस जाएगा. वो उदास भी होगा कभी कभी, तब उसको विटनेस करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, चीज़ें चलने देगा, तब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. लेकिन जैसे ही उदासी आएगी तो हमको लगेगा उदास नहीं होना चाहिए, गलत है, इसे बाहर आना चाहिए. बस वो दुष्चक्र है, वो आपने नहीं किया. जब अच्छा वाला विचार आया तो वो आप नहीं लाए थे, ये ख़राब वाला आया तो उसको आप नहीं लाए, तो परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है? जिस सोर्स से वो आया है उसी सोर्स से उठेगा, उसी में मर्ज हो जाएगा. उसको अपना रास्ता लेने दीजिए.